ठीक है, तो आज जो है हम डाइस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डाइस के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड और जनरल डाइस को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि कोई भी अगर यदि हमारे पास डाइस है तो उसके अगर अपोजिट फेसेस जो है उनका सम 7 होता है तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है, और एडजेसेंट फेसेस का जो सम होता है अगर वो 7 होता है तो वो हमारा जनरल डाइस कहलाता है। दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर अपने पास कोई एक डाइस है उसके एडजेसेंट मतलब आसन्न जो हमारे जो फेसेस हैं अगर उनका सम 7 आ रहा है तो वो हमारा जनरल डाइस कहलाता है, और सम 7 नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे आपको बता रहा हूं आज कि एक डाइस रहता है तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन अगर अपने पास दो एक ही डाइस के दो अलग अलग पोजीशंस गिवन होंगे, दो गिवन फिगर दिए होंगे, उसमें कैसे डाइस के सवाल आते हैं। देखो, एक डाइस के दो पॉसिबल पोजीशन आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि आज जो हमारा कंसेप्ट होगा दो डाइस का होगा, दो डाइस दिया होगा उसमें से आपको पहचानना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि अपने पास एक डाइस है, ठीक है, और उसके दो फिगर यहां पर दिए हुए हैं, एक डाइस के दो पोजीशन गिवन है। तो इस पर जो हमारा होगा तीन तरीके का केस बनेगा। केस ये हमारा जो होगा सबसे पहले ऐसा होगा, एक ही डाइस के दो फिगर दे रखे हैं उसमें से होगा कि एक फिगर कॉमन होगा, मतलब कि वन जो होगा ना वन फेस कॉमन होगा, क्या होगा, वन फेस आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो टू फेसेस होगा दोनों में वो कॉमन रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो आपका होगा कोई नो कॉमन फेस होगा। ठीक है, नो कॉमन फेस। ठीक है, तीन तरीके से हम अभी इसमें देखने वाले हैं, तीन केस बनने वाला है। मैंने कहा आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर अपने पास एक ही डाइस के दो पोजीशन मतलब दो फिगर दिए हुए हैं, एक ही डाइस के अलग अलग पोजीशन दिखा रखे हैं, उसमें से अगर आपके एक कॉमन फेस है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, दो कॉमन फेसेस हैं तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक भी फेस कॉमन नहीं होगा तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम देखते हैं। जैसे कि मैंने एक इसके पहले कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केस वन की बात करते हैं, अगर दो डाइस के अगर एक फेस कॉमन है तब हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास देखो कंसेप्ट, यहां से सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, अब सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट की बात करते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है वन कॉमन फेस का, इसके कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे कि एक डाइस हमारे यहां पर 2, 3, 5 लिखा हुआ है, इसी का एक और जो दिखाया गया है 3, 6, 1। मैंने कहा कि अपने पास जो है वो डाइस है, एक लिखा है 2, 3, 5 और दूसरा है 3, 6, 1। तो इसमें आपने क्या देखा कि एक ही डाइस के दो फिगर गिवन है और उसमें क्या है कि एक फेस कॉमन आ गया। ये देखो इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, कॉमन है दोनों में। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है कि जहां पर आपका 3 है उससे वहां पर आपको क्लॉकवाइज घूम जाना है। कैसे घूम जाना है, क्लॉकवाइज 3 से देखो मैं ये क्लॉकवाइज घुमाया 2 तक, फिर यहां से भी आपको घूमना है ऐसे करके 3 से ये देखो घूम कर आया कहां 1 तक। आप लिखो यहां 3 लिख लिए, उसके बाद यहां पर क्या देखो 5 यहां पे लिखो, पहले 3 के बाद आपका क्या है 5 है, फिर आपका 2 है, इसमें भी लिखो आप 3 लिख रहे हैं, फिर देखो आगे यहां 6 लिखा, आगे 1 लिखा। तो याद रखना ये जो आए अपोजिट फेस हैं, ये जो आए अपोजिट फेस हैं, अब देखो यहां बच गए लोगे 3 के अपोजिट 3 क्या नहीं, अब बच गए कौन से, तो नंबर काउंट करो 1, 2, 3, 4, तो देखो बच गया 4। तो जाहिर सी बात है कि इसके अपोजिट में कौन बच गया, 4 बच गया, तो अपोजिट में 3 के अपोजिट में क्या है 4 है। बात आपको मुझे लगता है समझ में आनी चाहिए, मैंने बहुत सिंपल सी बातें बताई कि अगर अपने पास दो डाइस दिए हुए हैं तो एक तो 3, 5, 2 घूम जाना है और दूसरा 3, 6, 1 ऐसे घूम लिए। फिर देखो 3 के अपोजिट में तो पहले 3, 4, 3, 5, 2 मैंने लिखा, फिर 3, 3 और फिर 6, 1 घूम लिए। तो 5 के अपोजिट में देखो 6 है, 2 के अपोजिट में 1 है, 3 है, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, आप देखो आपके पास बच गया कौन सा नंबर, तो नंबर अपने पास जो बचा हुआ है वो है 4। तो इसका आंसर आ गया, जो 3 के अपोजिट की बात करें 4। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में आप बता दो अपोजिट टू 6 क्या है, तो आंसर आ गया 5।
आपका क्वेश्चन हो सकता है अपोजिट टू, टू क्या है तो बता देंगे वन, ठीक है। दूसरा आपसे ऐसा कहा जा सकता है कि आप बताएं कि अगर यहाँ थ्री टॉप में है तो इसके बॉटम में क्या है, तो थ्री के बॉटम में क्या होगा तो फोर होगा, ये थ्री टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा टू। यहाँ तो दूसरे कंडीशन में पूछ लिया जाएगा कि बताएं बॉटम में क्या है, तो देखो सिक्स है तो सिक्स के अपोजिट में क्या रहा होगा यहाँ पर फाइव रहा होगा, और ये हमारे सॉल्व हो गए। इस ढंग से इसे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा था पहला केस। अब हम आते हैं दूसरे पर, जब किसी डाइस के दो फेसेस दिख रहे एक साथ दिख रहे हो, तो मैंने आपको एक कल ही कंसेप्ट दिया था, मैं उसे फिर से अभी बताने वाला हूं, कि एक ही डाइस के अगर अपने पास दो कंडीशन गिवन है या कभी भी एक डाइस रहता है तो जो अपोजिट फेसेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अपोजिट फेसेस नेवर, अपोजिट फेसेस जो है नेवर मतलब कभी भी क्या नहीं हो सकते, छुप नहीं सकते, तो अपोजिट फेसेस नेवर सीन टुगेदर, ठीक है, नेवर सीन टुगेदर, ये आपको कभी एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले याद रखना, ठीक है। और दूसरा हम ये कहेंगे, ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अपोजिट फेसेस नेवर हिडन टुगेदर, हिडन टुगेदर, ये दो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे कि एक डाइस के दो फेसेस एक साथ ना तो दिख सकते हैं और ना ही छुप सकते हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो मैंने एक ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, अभी मैंने वन बेस वन फेस कॉमन अगर होंगे तो डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कंसेप्ट दिए आपको मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखा देता हूं, ठीक है। ये बस आपको अभी याद रखना है, मैं इसका भी यूज बता रहा हूं। जैसे कि एक और हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर एक डाइस दे रखा है और उसके दो फेसेस अपने पास दिए हुए हैं, डाइस लिखा है यहां पर टू थ्री फोर है और यहां पर जो है देखो फोर है फाइव है सिक्स है। तो मैंने कहा कि पहले देखते हैं क्या दोनों में एक ही डाइस के दो फेसेस हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, ठीक है, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस, एट बॉटम सरफेस व्हेन, ठीक है, और इन फिगर फर्स्ट ऐसा कर लेते हैं, ये मैंने कह दिया कि इसकी फिगर फर्स्ट हो गई है सेकेंड हो गई। तो कहने का मतलब कि बॉटम सरफेस पर क्या हो गया, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि इसके टॉप में क्या दे रखा है थ्री दे रखा है, इसके टॉप में थ्री दे रखा है, तो हमसे जो पूछा जा रहा है कि इसके बॉटम में क्या होगा। तो मैंने आपको कहा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, कि हमें कहां से देख रहे हैं क्या दोनों में अगर एक ही डाइस के दो कंडीशन गिवन है तो आपको क्या करना है, देखना है कि एक फेस कॉमन है या दो फेस कॉमन है या कोई भी कॉमन फेस नहीं है। तो मैंने देखा एक फेस कॉमन है और वो कितना है फोर है, तो आपने देखा दोनों इसमें भी फोर है, तो आप पहले लिखेंगे फोर, फिर कहां गया टू, फिर कहां गया थ्री, और यहाँ पे आ जाए क्या हो गया फोर, यहाँ हो गया फाइव, यहाँ हो गया सिक्स, देख लो मैं ऐसे घूम गया, यहाँ से भी आपको ऐसे घूम जाना है, तो फोर फाइव सिक्स ये इसके अपोजिट में, ये इसके अपोजिट में, और फोर बच गया तो फोर के अपोजिट में क्या रह गया, तो देखो क्या नहीं है यहाँ पर, तो वन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे वन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फिगर फर्स्ट, तो इसका आंसर देखो आपका आना चाहिए, तो इसके टॉप में है थ्री, तो इसके बॉटम की बात करें तो आप देखो इसके बॉटम में क्या होना चाहिए, तो थ्री के अपोजिट में क्या है तो सिक्स, तो इसका आंसर हो गया सिक्स। आपने देखा कि इससे कितना आसानी से हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे ही सॉल्व हो जा रहे हैं। मैं तो इसमें यही है वन, अगर एक फेस कॉमन है तो आपको ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा, एक डाइस के दो कंडीशन गिवन है तो आप इसे इजीली ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जिसमें क्या रहता है कि दो फेसेस दिए हुए रहेंगे, ठीक है। और अगर टू फेसेस कॉमन, थोड़ा इसकी मैं बात कर लेते हैं ये क्या होगा, ठीक है, ये टू कॉमन फेसेस ऐसे अगर अपने पास होंगे, ठीक है, एक ही डाइस के दो गिवन कंडीशन होंगे और उसमें जो है आपके फेसेस होंगे दो जो है कॉमन, उसमें तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है। जैसे इसके कंसेप्ट को पहले मैं एक बार समझने की कोशिश करेंगे, इसके कंसेप्ट को देख लेते हैं क्या है, इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर है टू, यहाँ पर है थ्री, ये है फोर। देखो एक ही डाइस के पहला कंडीशन कुछ ऐसा है, मैं संख्या दे रहा हूं, टू है, थ्री है, फोर है, और एक यहां पर है टू है, सिक्स है, थ्री है। अब देखो एक ही डाइस के दो कंडीशन फिर से गिवन हो गए, अब इसमें क्या होने वाले हैं आप देखो कैसे हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो क्या कॉमन है, तो दो भी कॉमन मिल गया और थ्री जो है ये भी कॉमन मिल गया, टू और थ्री कॉमन मिल गया। तो अगर ऐसा हो गया टू थ्री दोनों में कॉमन है, तो एक बात तो पक्की हो गई कि फोर के अपोजिट में जो इसमें जो बच गया और जो इसमें कहीं भी आगे पीछे लिखा मतलब नहीं। पहला तो ये क्लियर हो गया कि फोर के अपोजिट में क्या है, सिक्स हो गया, फोर के अपोजिट में सिक्स हो गया। अब देखो टू थ्री, एक चीज तो क्लियर हो गई कि टू थ्री तो हमारे एडजेसेंट है, टू के अपोजिट में थ्री नहीं है। तो टू और थ्री के अपोजिट में कि अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकते हैं, या तो वन हो सकते हैं या तो फाइव हो सकते हैं जो बच गए हैं। ठीक है, या तो वन हो सकते हैं या तो फाइव हो सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करके लिखूं तो टू के अपोजिट में ऐसा हो सकता है कि वन या फाइव में कोई एक हो सकता है, ऐसे थ्री के अपोजिट की बात करें तो वन या फाइव में कोई एक हो सकता है। अगर मैं फाइव के अपोजिट की बात करूं तो या टू या फिर थ्री में कोई एक हो सकता है, वन के अपोजिट की बात करूं तो क्या हो सकता है, वन या थ्री में कोई, सॉरी टू और थ्री है ना, ये हमारा वन के अपोजिट में टू भी हो सकता है या फिर थ्री भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि टू ही होगा या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि थ्री ही होगा। तो आपने समझ रहे हैं फोर के अपोजिट में सिक्स, टू और थ्री के अपोजिट में वन और फाइव हो सकते हैं। इसका कहीं से ऐसा मतलब नहीं है कि टू के अपोजिट में वन होगा और थ्री के अपोजिट में फाइव होगा, कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि टू के अपोजिट में वन, वन और फाइव में कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि थ्री के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये अब आपके डिपेंड कर लेंगे, जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको अभी बताते हैं। इस पर एक दो एग्जाम्पल लेके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, इस पर हम काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं छोटा सा। तो जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन दे रखा है, ये सेकंड कंडीशन दे रखा है, ये टू थ्री सिक्स है, मान लेते हैं यहां पर है देखो थ्री सिक्स फाइव। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए बताना अपोजिट टू फाइव क्या होगा, अपोजिट टू फाइव, तो मैंने क्या देखा कि अच्छा जी एक ही डाइस के दो फेसेस गिवन है, दो फेसेस गिवन है, ये देखो टू इसमें भी, सॉरी आप इसमें देखो तो इसमें थ्री है और सिक्स है, और इसमें भी थ्री और सिक्स है, तो टू के अपोजिट में क्या हो गया, फाइव हो गया, कह रहा फाइव टू अपोजिट आंसर आ गया टू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप समझ गए कि थ्री और सिक्स के अपोजिट में अगर होता तो कंडीशन हमारे में या तो वन होगा या फिर फोर हो सकता है, ये काम करते हो। इस क्वेश्चन का तो बहुत बेसिक सा आंसर था कि फाइव के अपोजिट में क्या है, तो जो बच गया था वो फाइव के अपोजिट में, फाइव के अपोजिट में टू है। ठीक है, तो एक अभी मैं और एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, फिर इसकी जो है कंडीशन खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, ये क्वेश्चन एक और देखते हैं क्या है कि जैसे अपने पास एक और डाइस दे रखा है, इसके दो कंडीशंस यहां पर अपने पास गिवन है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया देखो थ्री है, सिक्स है, वन है, और दूसरा लिखा है कि वन है, सिक्स है, और यहाँ फोर है। और आपके समझ में अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन ऑप्शन में कैसे रहेंगे और हम कैसे ऑप्शन इसका लगा सकते हैं, तो इसमें क्लियर हो गया कि देखो इसमें भी सिक्स है, वन है, सिक्स है, वन है, तो थ्री के अपोजिट में तो कितना आ गया, फोर आ गया। थ्री के अपोजिट में कितना आ गया, फोर, तो थ्री के अपोजिट में तो मैंने फोर लिख दिया। अब अगली बार सिक्स और वन बचा, अब देखो आप सोचो रिमेनिंग क्या बचा है, वन टू सिक्स का कंडीशन चला तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो जैसी बात है कि एक तो रह गया होगा टू या तो रहा होगा फाइव, तो सिक्स का पोजिट में टू या फाइव में कुछ भी हो सकता है, वन के पोजिट में टू और फाइव में कुछ भी हो सकता है, सेम वन के पोजिट में टू भी हो सकता है या फिर फाइव भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते अभी।
अब देखो अपने पास ऑप्शन रहेगा और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए अपने पास अगर पेपर है और पेपर में जैसे कि दे दिया यहाँ पर चार ऑप्शन ए बी, ठीक है, मैंने कहा अगर पेपर में ए बी सी डी ऐसे करके चार ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन ए है, ठीक है, जैसे दे दिया यहाँ पर थ्री दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया फोर, ऑप्शन डी कह दिया टू, ऑप्शन सी कह दिया सिक्स। अब देखो मैंने कह दिया कि देखो ऑप्शन ए है थ्री, ऑप्शन बी है फोर, ऑप्शन सी है टू, ऑप्शन डी है सिक्स। अब बताना क्या होगा, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं अच्छे से, ऑप्शन ए मैंने थ्री दे दिया, ऑप्शन बी फोर दे दिया, ऑप्शन सी मैंने टू दे दिया, ऑप्शन डी मैंने सिक्स दे दिया। अब आप देखो और आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि जो है अपोजिट टू थ्री, तो अपोजिट टू थ्री में तो आप ऑप्शन लगा देंगे फोर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अपोजिट टू फाइव क्या होगा, अपोजिट टू फाइव क्या होगा, तो अब फाइव के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है आप क्या बताओगे? फाइव के अपोजिट में तो सर या तो सिक्स हो सकता है या तो वन हो सकता है। अब इस आंसर पर आओ, क्या थ्री हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। टू हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या लगाएंगे, क्योंकि तो इसमें दे रखा था तो हम ये ऑप्शन लगाएंगे। तो ये आपके पास ऑलरेडी ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। अच्छा मान लेते हैं दूसरा ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है, एक थ्री है, बी दे दिया टू और सी दे दिया यहां पर मान लेते हैं कि आपका फोर और आपका डी जो है दे देता सिक्स वन। तो आप पक्की बात है कि आप जो आंसर लगा लेते, क्वेश्चन वही पूछ रहा है, क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं मैंने आपसे पूछ लिया है अपोजिट टू फाइव क्या होगा, अपोजिट टू फाइव बताना है क्या होगा, ठीक, अपोजिट टू फाइव। तो अपोजिट टू फाइव है तो अपोजिट टू फाइव में इसमें देखो क्या ऑप्शन लगाएंगे, फिर से डी लगाएंगे जो होगा वन, थ्री नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, फोर पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्योंकि फाइव के अपोजिट में जो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ दो ही रिजल्ट है, या तो सिक्स हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया कि वन आ गया, ये था। तो इसके यही कंसेप्ट है और इसी ढंग से हम इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक और कंसेप्ट इसका है जो हमें करना चाहिए, ठीक है, और ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है, और ये भी काफी आसान होंगे कि जब एक ही फेस कॉमन होते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, दो कॉमन फेसेस अगर होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां तक की बातें समझ में आ गई है। अब इसमें एक और पार्ट रह गया है, वो है कि जब एक भी फेस कॉमन ना होते हैं, नहीं होते हैं, तब हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। बस इतना सा होगा और इससे जो है हम अभी नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे और उसके बाद फिर ओपन डाइस भी बताने वाले हैं आगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको फिर उसका जो है मैं बाद में बता देंगे, कोई दिक्कत